हेलो, वेलकम टू द चार्ट। देखो, आज भी मैं आपके लिए दो बेहतरीन पिक्स लेकर आया हूँ यहाँ पर स्टॉक के, और जिसमें ब्रेकआउट हाल ही में देखा है। पहला स्टॉक है यहाँ पर श्री दिग्विजय सीमेंट। अगर आप देख सकते हैं, यहाँ पे काफी दिनों से ये डाउन ट्रेंड में चल रहा था और यहाँ पर से उसने अपना ट्रेंड चेंज किया, अप ट्रेंड में आया है ये स्टॉक। और ये जो यहाँ पे प्राइस एक्शन बनी थी वो काफी बुलिश प्राइस एक्शन है, और यहाँ पर देख रहे हैं कि जो लास्ट स्विंग बना था यहाँ का, वहां पर एक रेजिस्टेंस एरिया था जिसमें सक्सेसफुली ब्रेकआउट मिला है, और उसी के साथ ही जो ऊपर से लाइन आ रही थी ट्रेंड लाइन, उसमें भी आज एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। स्विंग ट्रेडिंग के लिए बेहतरीन पिक हो सकता है। यहाँ पे ये टारगेट्स नियर अबाउट 85, 90 और 100 तक के दिख सकते हैं। अगर आप इंट्राडे कॉल करना चाहते हैं तो शायद यहाँ पर एक बढ़िया मोमेंटम आ सकता है। 2 दिनों से बढ़िया मोमेंटम है, तो उसमें आप स्टॉप लॉस 75 का लगा सकते हैं। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपका स्टॉप लॉस नियर अबाउट 70 हो सकता है। अगर थोड़ा और रिस्क लेना है और स्टॉक में बना रहना है तो 65 का स्टॉप लॉस आपके लिए बेहतर है। और टारगेट, फर्स्ट टारगेट रहेगा 85 का। और दूसरा जो स्टॉक है वो है अलगी इक्विपमेंट। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नियर अबाउट 5 सितंबर से जो ट्राइंगल पैटर्न फॉर्मेट हुआ है और उसी के साथ यहाँ पर मिक्सअप हुआ है फ्लैग पैटर्न का। यहाँ पे पोल बना और यहाँ पर फ्लैग बना। कल के दिन मार्केट में यहाँ पर फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिला था, और आज 7 दिसंबर को ये जो ट्रायंगल पैटर्न है उसका भी यहाँ पर ब्रेकआउट मिला है। आप अवरली टाइम फ्रेम में भी देख सकते हैं, ये जो ट्रेंड लाइन थी उसके ऊपर यहाँ पर क्लोजिंग आज हुई है, और यहाँ पर एक बेहतरीन तरीके से फ्लैग बना था और बढ़िया मोमेंट के साथ यहाँ पर उसका ब्रेकआउट हुआ है। और अगर आप देखें तो आपको स्विंग ट्रेड में यहाँ पर 560 का और उसके बाद 600 का टारगेट नजर में आता है, और यहाँ का स्टॉप लॉस रहेगा वो नियर अबाउट 490 रहेगा, और ये एक बेहतरीन सपोर्ट है जो कि 470 के आसपास है। यहाँ पर आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं, लेकिन ये जो जोन है 540 का, वो भी आपको देखना होगा। कुछ स्टॉक्स में तो होता है कि जो लास्ट स्विंग देखी है, लास्ट स्विंग है और यह जोन यहाँ पर से वो नीचे आया था 540 से, तो 540 तक जाके और 540 के आसपास सस्टेन करके वहां से अप जाना चाहिए, वरना आप एंट्री के लिए थोड़ा वेट कर सकते हैं। तो यही दो स्टॉक थे आज के लिए। ऐसे ही स्टॉक के पिक्स मैं आपके लिए लाता रहूंगा, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।